हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो है संघ इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में पूछे जाते हैं, जैसे टीजीटी, पीजीटी, नीट आदि, और बायोलॉजी से रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिशन हैं उनमें जो पूछे जाते हैं उन इम्पोर्टेंट प्रश्नों का समावेश हमने संघ इकाइनोडर्मेटा के इस वीडियो में किया है। उम्मीद है आप लोगों को ये काफ़ी लाभप्रद सिद्ध होगी। चलिए देखते हैं, सीधी बात करते हैं फाइलम इकाइनोडर्मेटा। तो फ्रेंड्स, फाइलम इकाइनोडर्मेटा का जो नाम है या स्थापना की थी वो जैकब क्लीन ने की थी। जैकब क्लीन ने संघ इकाइनोडर्मेटा नाम दिया या संघ की स्थापना की। देखिए, ये सभी एनिमल्स जो संघ इकाइनोडर्मेटा में पाए जाते हैं वो सब मैराइन एनिमल्स होते हैं, यानी कि समुद्र में पाए जाते हैं मोस्टली। और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, स्टारफिश है, इसका एग्जाम्पल मेनली स्टारफिश कहा जाता है, एस्टीरियास जिसको कहते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम एस्टीरियास है, यानी कि सितारा मछली, सितारा मीन, स्टारफिश फिश नहीं है, ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग। तो मैराइन फिश, तो मैराइन एनिमल्स होते हैं ये, और इनकी जो बॉडी है, शरीर ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, यानी कि त्रिस्तरीय शरीर होता है। इनके शरीर पर तीन स्तर पाए जाते हैं। और सिमेट्री की बात करें तो इनकी लार्वल स्टेज, जो लार्वा होगा, तो लार्वा में जो सिमेट्री पाई जाएगी, यानी कि शरीर जो होगा वो बायलैटरल होगा, द्विपार्श्व सममित होगा। लार्वा का जो शरीर होगा फाइलम इकाइनोडर्मेटा के एनिमल्स का, तो उनमें जो लार्वा अवस्थाएं पाई जाती हैं, तो लार्वा अवस्था में सिमेट्री कैसी होगी, द्विपार्श्व सममित, यानी कि डोर्सी वेंट्रल होगा, डोर्सल साइड अलग होगी और वेंट्रल साइड अलग होगी। और एडल्ट में क्या होता है, ये पंचतई अर्य सममित होते हैं, यानी कि पेंटामीरस रेडियल सिमेट्री इनमें पाई जाती है। जैसे स्टारफिश है तो ये कैसे होंगे, स्टार की तरह, जैसे ये अभी आपको दिखाया, स्टार शेप्ड होंगे, पंचतई सममित होंगे। हेड इनमें पाया नहीं जाता, हेड अब्सेंट होता है। और इनमें जो बॉडी कैविटी होती है, इनकी बॉडी कैविटी को एंट्रोसील कहा जाता है। इन प्राणियों में स्पेशल टाइप का वाटर वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, यानी कि जल परिवहन संस्थान, एक विशेष प्रकार का जल परिवहन संस्थान पाया जाता है जिसे एम्बुलेट्रल सिस्टम कहते हैं। इस सिस्टम को क्या कहते हैं, जल परिवहन संस्थान को, एम्बुलेट्रल सिस्टम। और इसी से क्या होता है, लोकोमोशन एम्बुलेट्रल सिस्टम में ट्यूब फीट पाए जाते हैं, नाल पाद पाए जाते हैं, जिनके द्वारा ये लोकोमोशन या गति करते हैं। तो गति करने के लिए इनमें क्या पाए जाते हैं, नाल पाद पाए जाते हैं, ट्यूब फीट इनकी विशेषता होती है। इकाइनोडर्मेट्स की विशेषता है ट्यूब फीट पाया जाना, नाल पाद पाया जाना, जिससे प्रचलन करते हैं, और इन्हीं में वाटर भरा रहता है, ट्यूब फीट में, नाल पाद में। अब आता देखिए, और पोषण भी इसी से प्राप्त करते हैं फ्रेंड्स, नाल पाद से ही। जो वाटर वैस्कुलर सिस्टम है, जब नाल पाद में भर जाता है तो पोषण भी ट्यूब फीट द्वारा ही प्राप्त करते हैं। अब आता देखिए, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, इनमें जो श्वसन अंग होते हैं इनको बुरसी और डर्मल ब्रोंकाई कहते हैं, और इसको पैपुली या एम्पुली के नाम से भी जाना जाता है। ये इसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, यानी कि श्वसन अंग होते हैं। अब आता है एक्सक्रेटरी सिस्टम, उत्सर्जी अंग, इनमें फ्रेंड्स उत्सर्जी अंग नहीं पाए जाते, उत्सर्जी अंग अब्सेंट होते हैं। डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, बाह्य कोशिकीय होता है, यानी कि कोशिका के अंदर डाइजेशन नहीं होता, कोशिका से बाहर होता है। फर्टिलाइजेशन भी इनमें बाहर पाया जाएगा, बाह्य फर्टिलाइजेशन, तो शरीर से बाहर होता है फर्टिलाइजेशन, और पोषण ये ट्यूब फीट या आर्म्स की हेल्प से प्राप्त करते हैं। यह भी आप लोगों को बताया, ट्यूब फीट यानी नालपाद द्वारा और आर्म्स द्वारा, इनकी जो भुजाएं होती है उससे भोजन को पकड़ेंगे, और ट्यूब फीट द्वारा पोषण प्राप्त करते हैं। इनको ध्यान रखेंगे। देखते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट। इकाइनोडर्मेटा में फ्रेंड्स अगर हम बात करें स्टारफिश की, तो स्टारफिश कैसी होती है, पेंटामीरस होगी, पांच भुजाएं पाई जाएंगी, और इसमें एक मैट्रिकोराइट पाया जाता है,
और एनस भी इस मध्य भाग में आर्म्स को छोड़कर जो पेंटामीलर स्टेज सी बन जाती है, इसमें ये दोनों संरचना पाई जाती है, मैट्रिपोराइट और एनस पाया जाता है, और ये भुजाएं पाई जाती हैं। अगर हम ये इसका डोर्सल व्यू है, अगर हम इसका वेंट्रल व्यू देखेंगे तो फ्रेंड्स मैट्रिपोराइट बाहर की तरफ एक आर्म्स में, यहां मैट्रिपोराइट होगा, मैट्रिपोराइट से एक स्टोन कैनल निकलेगी, स्टोन कैनल कहां होगी, स्टोन कैनल एक रिंग में प्रवेश करेगी, एक रिंग होगा, इसको रिंग कैनल कहेंगे, और रिंग कैनल में ये जो भुजाओं में निकलने वाली कैनल है ये रेडियल कैनल कहलाएंगी, और रेडियल कैनल में फ्रेंड्स रेडियल कैनल से क्या लगे होंगे, ये ट्यूब फीट ट्रांसवर्स कैनल द्वारा ये ट्रांसवर्स कैनल होंगी, और ट्रांसवर्स कैनल द्वारा ये ट्यूब फीट लगे होंगे, इसमें ट्यूब फीट होंगे, देखिए तो ट्यूब फीट दिखाए, और ट्यूब फीट में ही फ्रेंड्स एम्पुली होते हैं जो श्वसन अंग होते हैं। इस रिंग कैनल के अंदर की ओर दाने जैसी संरचनाएं ये टाइडमैन्स बॉडी पाई जाती है, टाइडमैन बॉडी इसमें पाई जाती है, ये बात ध्यान रखना, एम्बुलेट्रल सिस्टम में पाई जाती है, एक जल परिवहन संस्थान है, और वाटर कहां से प्रवेश करेगा फ्रेंड, ये मैट्रिपोराइट से वाटर एस्टेरिया यानी कि सितारा मछली में प्रवेश करता है, इसको ध्यान रखेंगे। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया टाइडमैन्स बॉडी कहाँ पाई जाती है, तो ध्यान रखेंगे एस्टेरियास में, और एस्टेरियास में भी एम्बुलेट्रल सिस्टम में पाई जाती है। वाटर कहाँ से प्रवेश करता है, मैट्रिपोराइट से प्रवेश करता है, और ट्यूब फीट इसके क्या है, प्रचलन अंग है, एम्पुली द्वारा ये श्वसन करता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, ट्रांसवर्स कैनल, रिंग कैनल, रेडियल कैनल और स्टोन कैनल, स्टोन कैनल भी पूछा जाता है कि स्टोन कैनल कहाँ पाई जाती है, तो ये भी एस्टेरियास के जल परिवहन संस्थान में स्थित होती है। चलिए अब देखते हैं इससे संबंधित कुछ और इंपॉर्टेंट बात। देखिए फ्रेंड्स इकाइनोडर्मिटा की ये कुछ क्लासेस हैं, चार क्लासेस का हम अध्ययन करा रहे हैं जो इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। तो पहली क्लास है होलोथूरोइडिया, होलोथूरोइडिया नामक क्लास है। इस क्लास के मेंबर्स में आर्म्स नहीं होती, भुजाएं फ्रेंड्स अनुपस्थित होती हैं, भुजाएं नहीं पाई जाती। लार्वा जो होगा होलोथूरोइडिया का, इस क्लास के मेंबर्स का, वो कहलाता है ऑरिकुलेरिया, ऑरिकुलेरिया नामक लार्वा इनमें पाया जाता है। इसके एग्जांपल हैं सिनेप्टा और होलोथूरिया। तो होलोथूरिया जिसको हम सी कुकुम्बर या समुद्री खीरा भी कहते हैं, तो ये होलोथूरोइडिया नामक क्लास का मेंबर है, समुद्री खीरा, और इनमें भुजाएं नहीं होती, और इसका जो लार्वा है वो ऑरिकुलेरिया लार्वा कहलाता है। फिर आता है इकाइनोइडिया, इकाइनोइडिया में भी भुजाएं नहीं होती फ्रेंड्स, भुजाएं अनुपस्थित होती हैं। इसका एग्जांपल है इकाइनस, जिसको हम सी अर्जिन के नाम से भी जानते हैं, तो सी अर्जिन का मतलब इकाइनस, और इकाइनस के लार्वा को प्लूटियस या इकाइनोप्लूटियस लार्वा कहते हैं। इसमें जो लार्वा होगा वो क्या कहलाएगा, प्लूटियस या इकाइनोप्लूटियस कहलाएगा, और इसके मुख के चारों ओर एक उपकरण पाया जाता है जो भोजन को चबाने का काम करता है, उस उपकरण को अरस्तु की लालटेन कहते हैं, एरिस्टोटल लैंटर्न कहा जाता है। ये किसमें पाई जाती है, इकाइनस में पाई जाती है, और इकाइनस किस फाइलम में का मेंबर है, इकाइनोडर्मेटा का है। इकाइनोडर्मेटा की क्लास कौन सी है, इकाइनोइडिया, इकाइनोइडिया क्लास, इकाइनोडर्मेटा की क्लास इकाइनोइडिया, जिसमें इकाइनस आता है, इसके मुख के चारों ओर एक एपरेटस पाया जाता है जिसको एरिस्टोटल लैंटर्न या अरस्तु की लालटेन कहते हैं, और ये भोजन को चबाने का कार्य करती है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा। अब आता देखिए क्राइनोइडिया, या क्रिनोइडिया, इसका एग्जांपल है एंटीबॉडी, और इसमें सेंट्रल डिस्क से फ्रेंड्स पांच भुजाएं निकलती हैं। फिर आता है एस्टेरॉइडिया, एस्टेरॉइडिया जिसमें स्टार के साथ ही है, यानी एस्टेरिया सितारा मछली जिसमें आती है, और इसमें दो लार्वा पाए जाते हैं, बाइपिनेरिया और ब्रैकियोलेरिया, ब्रैकियोलेरिया और बाइपिनेरिया दो प्रकार के लार्वा पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स इकाइनोडर्मेटा से संबंधित जो इंपॉर्टेंट
तथ्य थे हमने आप लोगों को बता दिए हैं, उम्मीद है आप लोगों को विभिन्न कॉम्पिटिशंस में ये काम आएंगे निश्चित रूप से। तो फ्रेंड्स आज आप लोगों को ये टॉपिक कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन फ्रेंड्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें जिससे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।